नमस्कार छत्तीसगढ़ की बात, हमारे साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे कांग्रेस नेताओं की फिसलती जुबान पर। चुनाव अदावत अब बयानों की सियासत में तब्दील होती जा रही है। चुनाव करीब आते ही कई नेताओं के बोल जो है बिगड़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। शब्दों के इस चुनावी गेम में कांग्रेस हमेशा की तरह अपने ही पाले में गोल करने में जुट गई है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था और अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने इस पर पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी इस बार दी है। बीजापुर के कुटुरू में लखमा ने कहा कि कवासी लखमा जीतोड़ नरेंद्र मोदी ढोल तोड़, यानी कि कवासी लखमा जीतेंगे और नरेंद्र मोदी मरेगा, खेल खत राम राम। अब इस बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ का राहुल गांधी बताया है और कहा है कि कांग्रेसियों को जो है समझ आ गया है कि कांग्रेस पार्टी मरणासन अवस्था में है। 4 जून को कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहरहाल कांग्रेस ने इस प्रकार का बयान पहली बार नहीं दिया है। इसके पहले भी जो है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पीएम के सिर पर लाठी मारने की बात कह चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर इस बयानबाजी से कांग्रेस की जनता में क्या छवि बनेगी और इस पर आगे और कितनी सियासत जारी रहेगी। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेंगे कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे। इनकी सुनिश्चित हार इनको दिखाई दे रही और इसके कारण से ये उलझुल बयान जारी कर रहे हैं। कवासी लखमा ने देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है, उनको मारने की बात की। ये किस तरीके से बयान जारी कर रहे हैं, इनको मालूम है कि ये चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते। ये सूर्य को रोशनी दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता ने तय कर लिया है। जिस तरीके से बस्तर के जनता ने वहां पर बड़ी संख्या पे, लाखों की संख्या में उमड़ करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुना, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की नसीहत, उनको मुबारक। कवासी लखमा को बस्तर की जनता सीरियसली लेती है। कवासी लखमा में बस्तर के लोग, बस्तर के आदिवासी अपना अक्ष देखते हैं। कवासी लखमा सरल, सहज, बेहद ही अनुभवी और जल जंगल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो सहज भाव में बिना लाग लपेट के कई बातें वे कह जाते हैं। उनकी बातें बेहद ही माधविक होती हैं, उनकी बातें बेहद ही गंभीर भी होती हैं। उनकी बातें बस्तर के आम आदमी की समस्या को रेखांकित करती हैं। तो कवासी लखमा की बातों को तो जिन भाव में बोलते हैं उन्हीं भाव में लेना चाहिए। कवासी लखमा की भावनाओं को कपटी भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलिए इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से अमरजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। आप सबसे पहले संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आगामी समय में चुनाव है, कुछ ही दिन शेष है, लेकिन उसके पहले जो बयानबाजी आपकी पार्टी की ओर से हो रही है, नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के नेताओं में नाराजगी और जनता में भी नाराजगी देखी जा रही है उसको लेकर। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, आप ऑडियो ज्वाइन कर लीजिए संदीप जी। संदीप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। अमरजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे, लगातार जो है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं उस पर जो है क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के जो हालात है, लगातार वो पिछले चुनाव से देखेंगे तो लगातार वो हार का सामना करती आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मुसीबत की स्थिति में खड़ी है। ऐसी स्थिति में इनके जो पार्टी के बड़े नेता है, उनके जो बोल है वो कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी हार का सामना करने की वजह से कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है।
और इसी वजह से चाहे चरणदास महंत की बात करूं मैं, चाहे कवासी लखमा जी की और चाहे इनके अन्य दिग्गज नेताओं की या राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं की, लगातार ये अपने बयानबाजी से कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को नुकसान करने पर तुले हुए और अपनी पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी छवि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्हें तो बहुत की संख्या दी जाती है, जिनके लिए विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र नायक भी उनके लिए अवभगत के लिए खड़े दिखते हैं, उन पर हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे नेता जिनका खुद की जिनकी खुद की जमीन भी नहीं है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी बुरी हार का सामना कर चुके हैं, जो पिछले उन चुनाव में छत्तीसगढ़ से अपनी पार्टी का सफाया कर चुके हैं, ऐसे नेता जिनको मतलब आसमान में थूकने जैसा विषय है और थूक जो है उनके ऊपर ही गिर रही है। आप देखेंगे कि कवासी लखमा के बयान जितने भी अब तक आए हैं उन्होंने अपनी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में जो शासन प्रशासन चल रहा है, चाहे मैं पिछले शासन प्रशासन की बात करूं, इन्होंने तो बच्चों को यहां तक कहा था कि आप ऐसा बनिए कि कलेक्टर का कॉलर पकड़ सके, इन्होंने पुलिस वालों पर तीर धनुष चलाने की बात कही। और इनके जो एक बड़े नेता है चरणदास महंत जी ने जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ लाठी लेकर खड़े होने और उनका सर फोड़ने की बात कही, मुझे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस इस तरह के बयान देकर प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर बीजेपी के लिए आसान कर रही है जीत हासिल करना। जी बिल्कुल ही कह सकते हैं कि कांग्रेस, लेकिन कहीं मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्योंकि कांग्रेस समाप्ति की ओर है, इसने सुर्खियों में बने रहने के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही, हम चुनाव में भी कहीं जहां जहां जा रहे हैं वहां पर कांग्रेस के लोग ही नहीं नजर आते और जो इनके लोग थे इनको छोड़ छोड़ कर चले जा रहे हैं, तो एक मानसिक दिवालियापन भी कह सकते हैं। और इनके दिवालियापन की वजह से ही ऐसा हो गया है कि अपनी पार्टी को, जो इनके बचे हुए लोग हैं वो अपनी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहते हैं ना कि जब पेड़ पे कोई व्यक्ति चढ़ा हुआ रहता है तो अगर वो उसी डंगाल को काटता है तो वो तो गिरेगा ही गिरेगा, साथ ही साथ उसको चोट भी पहुंचेगी। तो कांग्रेस के नेताओं को यह समझना होगा कि बिगड़े माहौल से वो किसी का भला नहीं करने वाले, इस प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखती और समझती है और उसका विश्लेषण करती है। यहाँ पर सवाल तो आप पर भी उठता है ना, क्योंकि आपने भी कई बार जो है विपक्ष के नेताओं पर, आपकी पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने टिप्पणी की है, सामूहिक मंच से टिप्पणी की गई है, राहुल गांधी को हमेशा जो है तंज पर कसते हैं, आप उन पर तंज कसते हैं, उनके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, तो यहाँ पर तो सवाल आपकी पार्टी से भी है ना। देखिए मुझे लगता है राहुल गांधी पर तंज कसने की कोई आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी के उनके खुद के जो भाषण होते हैं, उनके खुद के जो जो कुछ ऐसे विषय निकल कर आते हैं उसमें आप देखेंगे कि अक्सर वो एक मजाक का विषय बन जाता है और वो मजाक का विषय लोगों में हास्यास्पद का विषय बनता है। लोकसभा में संसद की कार्यवाही के दौरान लोगों ने देखा था कि किस तरह से वो बैठे बैठे आंख मार रहे थे, किस तरह से उन्होंने देखा था कि फ्लाइंग किस किया था, किस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जाकर वो हक करने के बहाने किस तरह की प्रतिक्रिया रहे थे। तो राहुल गांधी पर हमको तंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी अपने आप में खुद को कैसा प्रस्तुत करते हैं यह देश की जनता जानती है और आज कांग्रेस पार्टी इन 10 सालों में यदि बहुत पीछे हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो बचकाना हरकतें वो भी इसमें सम्मिलित है। मुझे नहीं लगता कि हमको कहीं ना कहीं उनको टिप्पणी करने की आवश्यकता है। मैं छत्तीसगढ़ के नेताओं को नसीहत देना चाहूंगा कि आपके पास बचे हुए जो दिन है इसमें जो अपने संगठन को उसको समेटने का काम यदि कर सकते तो करें, लेकिन इस तरह से बयानबाजी करके आप अपने संगठन का ही नुकसान करेंगे, अपनी पार्टी का ही नुकसान करने वाले हैं। संदीप जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज हम तक पहुंच जाए, तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा। अमरजीत जी क्या अब बीजेपी एक्शन उठाएगी, क्योंकि जिस तरह से आप विरोध तो कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी जो है पुतला फूंक रहे हैं, तो अगर इस तरह की बयानबाजी चलती रही तो आप क्या एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि आचार संहिता चल रही है, चुनावी माहौल है। जी निश्चित ही इसमें भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है, इस मुद्दे को लेकर हमने चाहे चरणदास महंत के बयान को लेकर हमने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी और उसमें एक मामले में उन पर FIR भी दर्ज हो चुकी है और इस तरह से लगातार इनके बयानबाजी पर हम चुप बैठने वाले नहीं है, इनका तीव्र विरोध भी किया जाएगा, चाहे सड़क की लड़ाई की बात हो चाहे निर्वाचन आयोग में शिकायत करने की बात है, क्योंकि इनके बिगड़े बोल जो है उन पर लगाम कसने की भी आवश्यकता है। यह प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, यह प्रदेश सबसे मिलजुल कर चलने वाला प्रदेश है, यहाँ की जनता बहुत भोली भाली और सारे विषय को समझती है, मुझे लगता है इस प्रदेश में इस तरह से जहर बोलने का जो काम करेगा उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, इनकी शिकायत हर स्तर पर की जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ एक और हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार
रमेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पांडे जी अनादि टीवी में। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे देश का संविधान जो है हर किसी को आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी जो हम चाहे वो बोल सकते हैं, ये हमारा संविधान हमें इस बात की आज़ादी देता है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरह का माहौल हो रहा है, एक तो आगामी समय में चुनाव है, माहौल गरमाया हुआ है, और ऊपर से जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की जो बयान सामने आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं और एक बात आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे संविधान ने ये आजादी नहीं दी कि हम जो चाहे सो बोल सकते हैं। हमारे संविधान ने एक मर्यादापूर्ण दायरे में रहते हुए बात कहने की आजादी दी है जी। तो जो भी बातें की जानी चाहिए वो एक मर्यादा के दायरे में होकर की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी बार बार कांग्रेस जी अपने पार्टी के सारे नेताओं को इस बात का निर्देश दे दें कि वो मर्यादा में रह करके ही बयानबाजी करें। तो इस तरह की बयानबाजी करना जिससे किसी को ठेस पहुंचे, जिससे किसी के समर्थक को अपमानजनक स्थिति का महसूस होना पड़े, ये थोड़ा गलत बात है। ऐसी बातों पे कांग्रेस पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स को भी अपने नेताओं को बताना चाहिए कि ऐसी बातें करना ठीक नहीं। बिल्कुल, संदीप जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, क्या कहेंगे आप, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं वाकई जनता में भी गुस्सा है, और जिस तरह का जो प्रतिक्रियाएं आपके नेता दे रहे हैं वाकई माहौल खराब करने वाला काम हो रहा है यहाँ पर। संदीप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। रमेश जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, रमेश जी आज का वो दौर है जब जनता जो है नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा से इनके बयानों को जोड़ती है, जनता में खासी नाराजगी देखी जा रही है। जिस प्रकार से हमने देखा कि चरणदास महंत के बयान के बाद से जिस तरह के उनके पुतले फूके गए, कवासी लखमा के बयानों का जनता खुद विरोध कर रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने ही दिए हुए बयानों के तर्ज पर आगामी चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, आपने देखा होगा कि अभी चुनावी परिदृश्य चल रहा है और पूरे भारत देश में कांग्रेस के बहुत सीनियर्स नेता पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही मेरे ख्याल से एक दर्जन से अधिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल या किसी भिन्न दल में जाकर के स्वतः बैठ गए हैं। तो ये पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि उनके जो गतिविधि है उससे लोगों में कितनी नाराजगी बढ़ रही है। जब उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता खुद संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरे दलों के नेता या आम पब्लिक कैसे उनकी बातों से संतुष्ट होगी, ये इनको खुद समझना चाहिए जी। माहौल किस तरह से खराब होता है जब कोई प्रतिष्ठित पार्टी के प्रतिष्ठित नेता इस तरह से भरे मंच पर कहते हैं इसका सिर फोड़ दो, उसका सिर फोड़ दो, इस तरह के बयान देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जनता के मन पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ता है और उससे माहौल खराब होने की कोशिश होती है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपसी भिड़ंत होने की भी संभावना बढ़ जाती है, पुलिस प्रशासन और जो निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ जाती है, तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। तो इस तरह की बातों से नेताओं को, खास करके जो ऐसा व्यक्ति जो उम्मीदवार है और कल को अगर चुनाव में जीतता है तो वो लोकसभा में जाकर के अपनी बात रखेगा, जनता की बात रखेगा, उसको ऐसी बातों से तो बिल्कुल परहेज करना चाहिए, बहुत निंदनीय है। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में भरे मन से इस तरह के बयान देना, और ख़ासकर ऐसा राज्य जिसे शांति का टापू कहा जाता है छत्तीसगढ़, और वहाँ पर इस तरह की बातें होना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दुखद है। अमरजीत जी हम चाह रहे हैं संदीप जी जुड़े, लेकिन तकनीकी खामी के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की ओर से एक सवाल था जो मैं आपसे करना चाहूंगी। कांग्रेसियों का कहना है कि हमने तो जो है जो कवासी लखमा का जो बयान था वो उनके कहने का ही अंदाज ऐसा है, वो किसी भी तरह से जो है प्रधानमंत्री पर स्टैंड आउट नहीं कर रहे थे, हम कह सकते कि उन पर उंगली नहीं उठा रहे थे। देखिए, आप किसी भी तरह से अपने दिए हुए बयान से बचाव नहीं कर सकते। पूर्व में चरणदास महंत जी ने जो बयान दिया था
कि हाथ में लाठी पकड़ो और मोदी जी का स्पष्ट नाम देते हुए उन्होंने कहा था कि सर फोड़ दो। फिर इनके नेता आते हैं और बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे लोकोक्तियां होती, कहावतें होती है। मुझे लगता है कि इस तरह से आप एक स्थानीय स्तर पे को लेकर, विषय को लेकर या संस्कृति को लेकर आप बचाव नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उससे हम भली भांति परिचित है। छत्तीसगढ़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप जी। संदीप जी क्या कहेंगे आप? मेरा इसमें आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अब मेरा इसमें ये कहना है कि दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है, हेलो जी 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 हम आपको सुन पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो बस्तर छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है जी, और बस्तर की रहन सहन, बोली, कम्युनिकेशन स्किल, ये हम और आप जैसे नहीं। तो पहली बात तो संस्कृति को समझना पड़ेगा, चाहे चरणदास महंत जी का बयान हो, चाहे लकमा जी का बयान जी। भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हो गई है कि अपने विकास की बात नहीं करते। देखना प्रति जवाब में कश्यप जी ने क्या कहा कि 5-4 तारीख को इनका अंत्येष्टि हो, ये इनका प्रति जवाब नहीं हो सकता। अगर ये संस्कारी पार्टी अपने आप को बोलते लेकिन संदीप जी संस्कृति उसके लिए माफी कोई भी संस्कृति ये थोड़ा ना बताती है, ये बोलना नहीं बताती है ना कि आप इसे मार दो उसे मार दो। ये तो जो गलत है वो तो हर संस्कृति में गलत ही होगा। उनके उनके उनको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके एक लाइन को आप समझने की कोशिश करिए कि जो उनका एक शब्द था वहां की बोली के हिसाब से आप हर संस्कृति में हर बात में, जैसे उत्तर प्रदेश वहां अलग अलग क्षेत्र में आप जाएंगे तो अलग अलग बोली है, माने कई शब्द ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में गाली के रूप में उपयोग होते हैं वहां नॉर्मल उपयोग होता है। अब रही बात मोदी जी का, जो ये मोदी जी के संस्कार को पाए हैं, तो मोदी जी का पहला भाषण आप सुनेंगे जो इन्होंने अपना अरुण गोविंद जी जहां से प्रत्याशी है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कभी पत्रकारों से मिलता नहीं, वो कहते हैं कि मैं अभी आ रहा था तो एक पत्रकार साथी ने बताया कि कांग्रेस को गाइडलाइन जारी हुई कि राम भगवान के नाम से ये हमको कहना है, इसमें चुप रहना। तो इस प्रकार के झूठों से भरा पार्टी है ये, हमको हमारे स्किल ना समझाए। इसके पहले भी मणिशंकर अय्यर आपके पार्टी के ही नेता प्रधानमंत्री को नीच कहते हैं। देखिए मैं बताया ना आपको, इन लोगों को शब्दों को पकड़ने की आदत है। अभी 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 का कश्यप जी का जो बयान है कि 4 जून को अंत्येष्टि निकलेगा, ये अहंकार से भरे लोग हैं। 10 साल का हिसाब किताब नहीं बता पा रहे, 10 साल का टेलर तो है अभी का पिक्चर होता है ना, वही तो बात है संदीप जी। क्या कहेंगे जितने दिख रहे हैं ना आपको, मुझे लगता है अंदर से कितना पीड़ित है, सब जानते नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो कांग्रेस के जो नेता है जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ठीक से डिफेंड भी नहीं कर रहे। आप पूरे शब्दों को सुनिए, आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बदनाम नहीं कर सकते, आप बस्तर की संस्कृति को बदनाम नहीं कर सकते बचाव करके। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री जी का सर फोड़ दो, ऐसा ऐसी कौन सी संस्कृति आपको बताती है? अब बताइए छत्तीसगढ़ की संस्कृति में इस तरह से जहर बोलने का खोलने का काम मत कीजिए मेरे भाई संदीप जी। आप भी छत्तीसगढ़ी में कर ले तो उस भाषा का मैं जो है आपको बता दूं कि उस भाषा का मीनिंग क्या है। सुना है, कृपया मेरी बातों को पूरा सुन लीजिए, और आप डिफेंड करना है तो तर्क संगत कीजिएगा। आपके जो नेता बयान दे रहे हैं उन बयानों को थोड़ा गौर से सुनिए, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से कहीं और प्रोत नहीं है। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारे नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर बयान दे रहे हैं, शहजादा बोल रहे हैं, किसी का खुद बोल रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का बता रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान जाके घोषणा पत्र पढ़ के आए? जिस प्रकार से ये बस्तर की संस्कृति में जो लोकल बोली है उसके हिसाब से उन्होंने बोला होगा, वो बहुत ही संदेह हुए नेता कुछ गलत नहीं बोला। फिर चरणदास महंत माफी क्यों मांगते हैं अगर उनने संस्कृति के लिहाज से लोगों को समझाने के लिए बोला? तो जाहिर सी बात है उनको भी लगा होगा कि उन्होंने गलत बोला। स्तर पर देश का प्रधानमंत्री है वो एक पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन हमारे भी प्रधानमंत्री तो किसी भी प्रकार का जो है रिस्पेक्ट को प्रधानमंत्री को करना चाहिए। ठीक है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दूंगी। हमारे साथ रमेश जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि संस्कृति ही वैसी है वहां की और अंदाज ही वैसा है, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसे? ये लाठी लेके चले गए, ठीक है संदीप जी, छपवा दिए,
संदीप जी, विषय जो बोल वचन हो रहे हैं ना, विषय विकास की है, विषय विकास का है, सारे विकास की बात को आप छुपाइए और जिन बातों को बोलना है ना उनको। ठीक है संदीप जी, आप दो मिनट रुकिए। ठीक है रमेश जी, छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, वहाँ की नब्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं वो, क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति में इस तरह की भाषा नॉर्मल है? पांडे जी आप बताइए, इस तरह का बोलना, या कोई भी किसी को बोल दे, किसी का सर फोड़ दे या कुछ कर दे? देखिए हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, उसको कौन प्रमोट कर रहा है, कौन डिमोट कर रहा है। ये हमारे दोनों साथी यहाँ मौजूद है और एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और यहाँ की संस्कृति को भी भली भांति जानते हैं, उसके बारे में यही लोग कमेंट करें। मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन संस्कृति को बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि निर्वाचन आयोग जो हर बात की समीक्षा कर रहा है और अनिरीक्षण कमेटियां उसने बना रखी है, निर्वाचन आयोग ने चरणदास महंत के बयान को गलत ठहराया है। तो ये अब ये दोनों साथी तय कर लेंगे कौन अच्छा था कौन खराब था। और निर्वाचन आयोग तो भारतीय जनता पार्टी की गुलाम हो गई है, जो उसका मास्टर है निर्वाचन अधिकारी को नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री ने किया है, इस बात की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। ये सब निर्वाचन आयोग की संदीप जी हम विषय से नहीं भटकेंगे, मुझे तो इतना पता है अगर उन्होंने माफी मांगी है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज का अनुभव हुआ होगा कि उन्होंने गलत बोला है। ठीक है ठीक है संदीप जी, जिस तरह से पुतले फूके गए, जनता में नाराजगी देखी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव में आप ही को नुकसान है इससे, क्या आप मानते हैं? आप मेरे से बोल रही हैं? जी संदीप जी, जिस तरह से हमने देखा आम जनता में आक्रोश, नहीं ये तो माहौल बनाया जा रहा। अभी आप कवासी लखमा जी का भाषण सुने होंगे, जिस जगह में बोल रहे थे, जिस स्थान पे बोल रहे थे, वो उनका अपना स्थान है, अपने क्षेत्र के लोग हैं, बोली के लोग हैं, ये उनसे प्रभावित हैं। ये सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इस बात की है कि विकास ये इशू ऐसा मिल जाता है कि इनको विकास की बात ना करना पड़े, नहीं तो लोग पूछ लेंगे कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का पहला दिन घोषणा करने वाले बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने आपका कीमती समय दिया। देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो बयानबाजी हो रही है उससे सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं हलचल मची है। एक और जहां छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े मंत्री जो है प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो उसको लेकर जनता में भी आक्रोश देखा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस आक्रोश के चलते कांग्रेस को चुनाव में क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है और किस तरह से जो है चुनाव के रिजल्ट आते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी, नमस्कार।